दुनिया में रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ अब ऐसा लगने लगा है कि चौथी चीज़ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है। उसका नाम है मोबाइल, जिसके बिना जीवन बिल्कुल अधूरा लगता है। ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन अगर हमारे पास नहीं है तो फिर जितने भी काम हैं वो सब रुक जाएंगे। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर MPTV इंडिया आ पहुँचा है MD मोबाइल कचेरी रोड पर, आपके लिए बेहद ख़ास कुछ जानकारियाँ लेकर कि आपका स्मार्टफोन कैसे सुरक्षित रहे, आपका स्मार्टफोन अगर गीला हो जाए तो कैसे उसका बचाव आपको रखना है, और स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ जिससे आप और हम सभी बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत कम हो जाती है, उसी के ऊपर चर्चा करने के लिए कुछ जानकारियाँ, रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं और MD मोबाइल कचेरी रोड पर इस वक्त में मौजूद हूँ और उन्हीं के पास मैं आपको लेकर चलता हूँ। और शुरू करते हैं कि आखिर स्मार्टफोन को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं हम कि आपका स्मार्टफोन है जिसकी बैटरी आपको बहुत कम लगती है, क्योंकि सभी उससे परेशान नज़र आते हैं। मैं भी बहुत बार परेशान हुआ और मुझे लगता है कि हर स्मार्टफोन का जो यूज़र है वो कहीं ना कहीं परेशान होंगे। और उसकी लाइफ कैसे बढ़ सकती है बैटरी की, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मैंने आपको पहले भी रूबरू कराया था। तब हमने आपको बताया था कि स्मार्टफोन की अगर जो स्क्रीन होती है वो टूट जाती है तो कैसे बदली जा रही है, वो भी केवल 3 मिनट के अंदर। आज कुछ और रोचक जानकारियां आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं। आप एक बार दोबारा MPTV इंडिया आपके पास आया है और आज हम अपने दर्शकों के लिए कुछ मोबाइल से जुड़ी हुई जानकारियां आपसे लेना चाहते हैं। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि स्मार्टफोन जो होते हैं उनकी बैटरी लाइफ जो हो रही है बहुत कम होती जा रही है, कैसे जो यूज़र हैं, जो उपभोक्ता हैं, वो अपनी बैटरी लाइफ को बढ़ाएँ। नमस्कार, मैं पंकज चंगलानी MD मोबाइल से। हाँ, जो स्मार्टफोन आते हैं, पहले जो फ़ोन्स आते थे उनकी बैटरियाँ तो हम निकाल के चेंज कर सकते थे, बट अब जो स्मार्टफोन आते हैं उनमें इनबिल्ट बैटरियाँ आती हैं। वो इनबिल्ट बैटरियाँ हम जल्दी से ना तो चेंज कर सकते हैं, ना अपन फ़ोन को खोल के घर पर उसको रिमूव कर सकते हैं। कम चलने का कारण जो है वो है यूज़र उनको फुल चार्ज लगा देते हैं या नाइट में चार्ज में लगा के सो जाते हैं, तो उससे बैटरी की लाइफ कम हो जाती है, MAH पावर कम हो जाते हैं, बैटरी फूलने लग जाती है। सही तरीका है दिन में 2 बार फ़ोन को चार्ज करें, फ़ोन को 85% चार्ज करें, फ़ोन चार्ज लगाते समय फ़ोन को यूज़ ना करें, अपनी बैटरी की लाइफ कम से कम 5 साल तक ओके हो जाती है। अच्छा, मैं तो कई बार ऐसा करता हूँ कि जब रात में सोने के लिए आता हूँ तो मेरा चार्जिंग भी लगा रहता है और मैं ईयरफोन लगा के गाने भी सुनता रहता हूँ, ठीक है, तो मोबाइल तो मेरा रख देता हूँ मैं साइड में। ऐसा भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये तरीका बिल्कुल गलत है। हमारी फ़ोन कब चार्ज हो जाता है, फुल ओवर चार्ज हो जाता है, 100 के बाहर चला जाता है, ये हमको नॉलेज में नहीं होता। हम सोचते हैं फ़ोन 100 चार्ज हो गया पर यूज़ हो रहा है और हम गाने सुनते रहते हैं, पर अंदर जो बैटरी है उसका कार्बन है, उसका लिक्विड होता है, वो धीरे 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 उसके सेल वीक होते जाते हैं, एंड टाइम पे आने वाले 2-3 महीने में वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये कैसे मालूम करें लोग कि उनकी बैटरी जो है वो ख़राब होने लग गई है, कि चलते चलते या तो मोबाइल बंद हो रहा है तो मालूम पड़ता, मतलब उसके सिम्टम्स क्या हैं कि बैटरी वाकई हमारे मोबाइल की ख़राब होने वाली है? अपन न्यू फ़ोन ख़रीदते हैं, हमारा जो बैटरी का बैकअप होता है वो 8 घंटे का होता है जो कंपनी देती है। अपन जो गलत तरीके से फ़ोन को चार्ज में लगाते हैं या कंटिन्यू चार्ज लगा रहता है फ़ोन, हम सोचते हैं हमारा फ़ोन हमेशा फुल चार्ज होना चाहिए, ये तरीका भी गलत है। फ़ोन हमेशा 80-85% चार्ज होना चाहिए, ठीक है। ये लगता है कि 8 घंटे से फ़ोन अब 6 घंटे के बैकअप पे आ गया है, 5 घंटे के बैकअप पे आ गया है, तो हमारी बैटरी की लाइफ कम होने लगती है, वो ख़राब हो, वो यही तरीका होता है, वो यही कारण होता है कि हम बैटरी को फुल चार्ज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, बहुत सारी खबरें ऐसी मिल जाती हैं हम लोगों को देखने के अंदर कि चार्ज करते करते मोबाइल फट गया। वाकई मोबाइल फट जाता है क्या चार्जिंग करते करते अगर यूज़ करते हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है, जिनमें केमिकल बैटरियाँ होती है ना, वो बैटरी अंदर फूलने लग जाती है, फूलने के बाद उनको जगह नहीं मिलती है कि वो कहाँ से निकल सके, तो अंदर वो केमिकल और कार्बन होता है। पहले आती थी रिमूवल बैटरी आती थी, जो सेल वाली बैटरी आती थी, अभी जो बैटरी इनबिल्ट लगी हुई आती है वो केमिकल लिक्विड वाली बैटरी आती है, तो लिक्विड फैल जाता है, लिक्विड फैलने से फ़ोन में आग लग जाती है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनबिल्ट बैटरियाँ आने लग गई हैं, तो क्या ये बैटरी अब चेंज नहीं होती हैं क्या? चेंज होती है, हमारे पास चेंज होती है, 2 ईयर की वारंटी भी मिलती है, बहुत अच्छी रीजनेबल रेट पे है। बट हम तो ये कहना चाहेंगे कस्टमर से कि फ़ोन को 80-85% चार्ज करें, जो उनकी कंपनी की ओरिजिनल बैटरी है वो यूज़ करें। बैटरी लाइफ बढ़ाने का तरीका भी यही है कि 85% तक चार्ज रखें।
अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात बहुत आती है कि चलते चलते मोबाइल हमारा गिर जाता है, नाली में गिर जाता है, सड़क पे पानी अगर है वहाँ गिर जाता है, किसी पार्टी में होते हैं तो पानी की बोतल गिर जाती है, तो ऐसे मोबाइल घिरा हो जाता है। ऐसे में तुरंत क्या करना चाहिए कि उसको दुकान ना आने के बजाय पहले ही जो ग्राहक है वो समझ जाए उसका मोबाइल बच जाए? तुरंत तो अगर आसपास कोई मोबाइल की शॉप है तो वहाँ से जाके केमिकल से क्लीन करवा लो। अगर आस पास कोई शॉप नहीं है, दूर तक शॉप है या घर में ही फ़ोन गिर गया पानी में, तो उसको ऑन करने की कोशिश ना करें, ना ही चार्ज में लगाएं। उसको डायरेक्ट एक चावल की पॉली ले, जो सूखे पॉली ले उसमें सूखे चावल डाल के फ़ोन को उसमें डाल दें। 24 घंटे बाद उसको निकाल के एक बार ऑन करने की कोशिश करें, 90% फ़ोन आपका ओके हो जाएगा। 90% फ़ोन ओके हो जाएगा। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मेरे बहुत दोस्तों ने ऐसा मुझे बोला है कि हेयर ड्रायर कर ले घर पे, यूज़ कर ले, क्या हो गया उसी से सुखा ले, ऐसा भी लोग कर लेते हैं। अंदर CPU ICs लगी होती है, स्पेक्ट्रम CPU, मेडिकेट CPU लगे होते हैं, अगर वो थोड़ी हीटिंग से गर्म होते हैं तो वो डेड होने की रिस्क हो सकती है। आपने देखा होगा कभी कभी ना कस्टमर्स के फ़ोन होते हैं वो बहुत हीटिंग होते हैं, गर्म होने लगते हैं, तो अंदर IC ख़राब हो जाती है। तो इस केस के अंदर हेयर ड्रायर यूज़ करने से मदरबोर्ड ख़राब होने की रिस्क होती है। तो अगर आप भी मोबाइल गीला होते ही सोचते हैं कि घर में जो हेयर ड्रायर है उसको ही उपयोग में ले लें, उसी से अपने मोबाइल को सुखा लें, तो आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मोबाइल बिल्कुल ही ख़राब हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं हम, कार चलाते वक्त हम कार का जो चार्जर होता है वो बहुत यूज़ करते हैं, और उस वक्त हमारे म्यूज़िक भी चलता रहता है, साथ में गाना चलता रहता है, और कार मोबाइल भी चार्ज होता रहता है। कार चार्जिंग और मोबाइल, क्या बैटरी ख़राब होती है, बैटरी लाइफ ख़राब होती है, मोबाइल ख़राब होता है? बिल्कुल, बैटरी लाइफ डाउन होती है कहीं भी हो, आप अगर कार में हैं या घर पर हैं। अगर फ़ोन को चार्ज लगाते हैं तो उसे यूज़ ना करें, ना कोई म्यूज़िक चलाएं। फ़ोन आपका 40-45 मिनट चार्ज, 85-80% चार्ज हो कर ले, फिर उसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट है, उसमें बैटरी लाइफ 5-7 साल बढ़ जाती है। एक दर्शक थे जब आपका, हमने पिछली मर्तबा एक जब खबर बनाई थी तब उन्होंने एक मैसेज हमको भेजा था कि आपके उनसे एक बात पूछना, आपकी मोबाइल चलाते चलाते उनके मोबाइल से नेटवर्क गायब हो जाता है एकदम से, ये क्या समस्या है और इसका समाधान क्या है? ये वाटर डैमेज की समस्या होती है, अगर फ़ोन हल्का फुल्का पानी गिरता रहता है, जैसे ना घर पे जो लेडीज़ होते हैं वो किचन में फ़ोन को यूज़ करते हैं, उनके हाथ गीले अगर पानी में जाते हैं तो नेटवर्क कंपनी द्वारा नेटवर्क बिल्कुल नीचे डाउन पोजीशन में लगाया गया होता है, तो वो डाउन पोजीशन में हल्का फुल्का अगर कार्बन या मॉइस्चर चला जाता है उससे वो नेटवर्क ख़राब हो जाता है। अब घबराए नहीं, हमारे यहाँ पर केमिकल्स हैं, उस केमिकल से हम उसको क्लीन करके नेटवर्क को जल्दी जल्द लाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं समझे कि मोबाइल ही ख़राब हो गया, सर्विस सेंटर ले जाते हैं तो सर्विस सेंटर मदरबोर्ड का खर्चा बताता है, पर उसमें मदरबोर्ड का खर्चा नहीं होता, वो केमिकल से क्लीन होके रेडी हो सकता है। यानी कि भारी खर्चे की जरूरत नहीं है, अगर कई लोग ऐसा कहते हैं कि मदरबोर्ड उड़ जाता है तो वो ना सोचें हैं कि बिल्कुल संतुष्ट रहे, ऐसा कुछ नहीं होता, जितना हो सके केमिकल से क्लीन करने की कोशिश करें, अपना फ़ोन सेम टाइम रेडी हो जाता है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि आप जो स्मार्टफोन बहुत तेज़ी से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और उसकी जो समस्याएं हमारे सामने आती रही है उस पर हम कोशिश करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से आपको एक छोटे से जो मामूली से घर बैठे जो समाधान मिल सकते हैं वो हम कोशिश करते हैं आपको अपने खबरों के माध्यम से बताने की। और ऐसे ही MD मोबाइल के यहाँ से आज हमने आपको ये रोचक जानकारियाँ स्मार्टफोन के लिए बताई हैं।